नमस्कार, आप लोगों को एक बार फिर स्वागत है। आज मैं एक नए केस को लेकर चर्चा करने हेतु आप सबों के सामने प्रस्तुत हूँ। केस है कि एक 40 वर्षीय पुरुष रोगी अपने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के इलाज हेतु आया। वह बोला कि मैं गत 15 वर्षों से पेट की समस्या और शरीर के विभिन्न भागों में दर्द से परेशान हूँ। पेट में गैस बनता है, खाना हजम नहीं होता, लेटरिन साफ नहीं होता और शरीर के विभिन्न भागों में दर्द रहता है, कमर फटते रहता है, उठने का हिम्मत नहीं होता, दुकान नहीं खोल पा रहा हूँ, डर से मसालेदार खाना नहीं खाता, चिंता रहती है कि ऐसे ही रहा तो दुकान कैसे खोलूंगा और दुकान नहीं खोलूंगा तो भोजन कैसे चलेगा। लोगों को आपके बारे में बातचीत करते हुए सुना कि अच्छी दवा देते हैं, तो सोचा कि मेरे समस्या का समाधान यहाँ हो सकता है और इसलिए आपके पास आया हूँ। आप ऐसी दवा दें कि बीमारी जड़ से खत्म हो जाए और पैसा भी कम खर्च हो। हमारा यदि ठीक हो गया तो आपके पास रोगियों की लाइन लगवा दूंगा, आपको खाने तक का भी समय नहीं मिलेगा। इतना ही केस है। अब हम लोग देखेंगे कि इस केस में कौन सा रूब्रिक लिया गया और किस वर्सन पर लिया गया, पेशेंट के किस वर्सन पर लिया गया। इसमें दो रूब्रिक का चुनाव किया गया। पहला इनसाइटिंग अदर्स और दूसरा ग्रिडली ग्रास्प पिंग ग्रेडली विथ बोथ हैंड्स एनी थिंग ऑफर्ड हिम। फर्स्ट रूब्रिक इंसाइटिंग अदर्स। पेशेंट बोला था यदि हमारा ठीक हो गया तो आपके पास रोगियों की भीड़ लगवा दूंगा, आपको खाने तक का समय नहीं मिलेगा। पेशेंट यहाँ हमें उकसा रहा था, उत्तेजित कर रहा था ताकि उसके लिए अच्छे से दवा का चुनाव करूँ और उसके समस्या का समाधान हो जाए। ये हुआ इनसाइटिंग अदर्स। पहले इस रूब्रिक में एक ही दवा थी, हायोसाइमस। अभी नए रेपर्टरियों में कई एक दवाएं ऐड कर दी गई हैं, जैसे कास्टिकम,
सिमसिफुगा, कोलोसिंथ, लेकेसिस, ओपियम, सल्फर, बिरेट्रम, थुजा आदि। दूसरा रूब्रिक ग्रेडली ग्रास्पिंग ग्रेडली विथ बोथ हैंड्स एनीथिंग ऑफर हिम। यहाँ पेशेंट को जैसे ही मेरे बारे में पता चला कि यहाँ अच्छी दवा मिल सकती है तो वह इस सुजोग को, इस अवसर को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहता था और वह हमारे पास आया कि इस अवसर से लाभ उठाएं, यहाँ हमारा समस्या का समाधान हो सकता है। और वह आगे बोला भी कि ऐसी दवा दें कि बीमारी जड़ से ठीक हो जाए और पैसा भी कम खर्च हो। इस रूब्रिक में ग्रीडी का मतलब होता है लालच करना, चीज़ों को संग्रह करना, चीज़ों को अपने हाथ से जाने नहीं देना जो उसके पसंद का चीज है, और ग्रास्पिंग पकड़ करके रखना जो उसको पसंद के चीज है, उसको लाभदायक चीज है, उसको पकड़ करके रखना ताकि उसके हाथों से निकल ना जाए। ग्रीडली माने लोभ के वशीभूत होकर के दोनों हाथों से किसी चीज को पकड़ करके रखना ताकि उसके हाथों से निकल ना जाए। यहाँ पर रोगी ऐसे ही कर रहा था, जैसे ही उसको पता लगा वह मेरे पास आ गया। इस परिस्थिति को वह अपने से छोड़ना नहीं चाहता था। इसी आधार पर इस दवा का, इस रूब्रिक का चुनाव किया गया। इसमें एक ही दवा है हायोसाइमस, और उसे हायोसाइमस 30 का 3 डोज 15 15 मिनट के इंटरवल पर दिया गया। 4 महीने तक करीब पेशेंट संपर्क में रहा, उसे और दूसरी डोज की जरूरत नहीं पड़ी, सिंगल डोज में ही उसके समस्या का समाधान हो गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए केस के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।